हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आशिमा शो। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है। रोजाना हजारों लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया को वैक्सीन का बेबसी से इंतजार है। ऐसे में दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन की खोज में लगे हैं। 100 से ज्यादा वैक्सीन इस समय प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर है। इंग्लैंड और अमेरिका में एक एक वैक्सीन का ह्यूमन टेस्ट भी चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रभावी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। लेकिन इसी बीच उम्मीद की एक किरण देखने को मिली है। दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। जी हाँ, और साथ में ये भी दावा किया है कि ये वैक्सीन जल्द सभी के लिए उपलब्ध भी हो जाएगी। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या ये सच में कारगर साबित हो रही है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्तली बेनेट ने बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के सुपरविजन के अंडर आता है पर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ क्लोज कम्युनिकेशन में रहता है, ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको कि किस खुफिया लैब में बनाई गई है ये वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला इसराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे रहस्यमय लैब्स में से एक माना जाता है। यहाँ होने वाले प्रयोगों के बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती है। हाल ही में नफ्तली बेनेट ने इस रिसर्च लैब का दौरा किया था। दौरा करने के बाद वैक्सीन बनने की खुशखबरी दुनिया भर में पब्लिक की। खबर को टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट समेत कई मीडिया चैनल्स ने पब्लिश भी किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लैब कोई साधारण लैब नहीं है। इस इंस्टीट्यूट में इसराइल जैविक और रासायनिक हथियार तथा ऐसे हमलों से बचाव के लिए हथियार बनाता है। इन घातक जहर और केमिकल वेपन बनाने के लिए इसराइल ने जमीन के अंदर काफी गहराई में ये लैब बनाई है। ये सीक्रेट लैब अत्यधिक सुरक्षा घेरे में रहती है। इस इंस्टीट्यूट के चारों ओर कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और इस इंस्टीट्यूट के ऊपर किसी भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं कि कब तक मिल पाएगी ये वैक्सीन। इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वैक्सीन डेवलप कर ली गई है और अब ये पेटेंट करवाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज से इसके कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। दरअसल पिछले महीने बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बताया था कि उन्होंने चूहों पर एंटीबॉडी बेस्ड वैक्सीन प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू कर दिया है। इंस्टीट्यूट उन लोगों से प्लाज्मा भी इकट्ठा कर रहा है जो कोरोना वायरस संक्रमण से अभी उभरे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण किया गया है। वैक्सीन की सफलता के लिए बेनेट ने इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों का आभार जताया और कहा कि हमें आप लोगों पर गर्व है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर किया गया है या नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर इसराइल का दावा सही है तो कोरोना से करहा रही दुनिया के लिए ये एक बड़ी उम्मीद होगी। अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है ये वैक्सीन। रक्षा मंत्री बेनेट के मुताबिक ये एंटीबॉडीज मोनोक्लोनिकल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती हैं और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इसके बाद वायरस शरीर के दूसरे हिस्से या दूसरे शख्स में नहीं फैलता। दोस्तों, ग्लोबली इस समय लगभग 100 वैज्ञानिकों का दल वैक्सीन निर्माण कार्यों में जुटा हुआ है, जो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को इस महामारी से मुक्त कराना चाहते हैं। और जब से ये इसराइल द्वारा वैक्सीन का दावा किया गया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग वैक्सीन बना ट्रेंड करने लगा है। बेनेट ने भी कहा कि इसराइल अब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था को फिर से खोलने के प्रोसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।